सो गाइस, आज इस वीडियो में हम अपने रीसेंट प्रोजेक्ट जो कि नेटफ्लिक्स वेबसाइट के ऊपर था उसे रेस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करके इस वेबसाइट को फुली रेस्पॉन्सिव बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसके सारे सेक्शन और इंक्लूडिंग अबाउट सेक्शन कितनी परफेक्टली यहाँ पे अपीयर हो रहा है, जबकि मोबाइल की डिस्प्ले स्क्रीन साइज में खुला हुआ है तब भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं VS कोड पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका लेआउट ख़राब कब हो रहा है। तो देखिए, ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन और यहाँ जब ये छोटा होता है, स्क्रीन का साइज़ और छोटा होता है, तो लगभग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन खोल लेते हैं तो यहाँ तक आप कह सकते हैं कि सही चल रहा है। लेकिन जब ये 1100 पिक्सल से नीचे गया तो ये थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन अच्छा नहीं लग रहा है, और स्पेशली जब ये 900 से नीचे जाता है तो पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 1100 पिक्सल से नीचे और ऊपर का चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी यूज़ करके 1100 पिक्सल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मीडिया क्वेरी, और यहाँ पे हम मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं 1100 पिक्सल। अब इसके बाद हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे साइड में खोल लेता हूँ या ऐसे ही वर्क करते हैं इसमें। ओके, तो अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं कि इसे मोबाइल व्यू में खोल लेते हैं, तो अब ये और बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैनर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैनर का टाइटल है इसे आई थिंक थोड़ा छोटा करना सही रहेगा। तो अभी देखते हैं हमारा बैनर का जो टाइटल है ये रहा, तो इसका फॉन्ट साइज अभी 3 रैम है, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ बैनर टाइटल डालता हूँ और इसका फॉन्ट साइज कर दूँगा 2.8 रैम। तो ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। और इसकी थोड़ी सी पैडिंग नीचे से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पैडिंग बॉटम कर देता हूँ मैं 1 रैम। ओके, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है इसके डिस्क्रिप्शन की, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब हमारी डिस्प्ले से ही बाहर जा रहा है, तो इसका हमें काफ़ी स्टाइल चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं हैशटैग सबसे पहले तो बैनर डिस्क्रिप्शन, तो विथ हम इसकी कर देते हैं फिट कंटेंट, और आप चेक करके देखते हैं। तो हाँ, ये काफ़ी सही लग रहा है। वैसे थोड़ी सी मार्जिन और दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैनर का आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया पूरा वर्क। तो अब यहाँ पे ये इमेजेस को सेट करते हैं। तो इमेजेस आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी आ रही हैं, तो ये जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल इमेज है इन दोनों की हम थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इमेज, तो इसकी मैक्स हाइट हम कर देते हैं। तो पहले हमारी इमेज की हाइट है 100 पिक्सल, तो थोड़ी सी हमें कम करनी है, तो 70 पिक्सल कर देते हैं। और जो हमारी दूसरी इमेज है उसका नाम है लार्ज इमेज और उसकी मैक्स हाइट है 250, तो 250 से अब हम इसकी 150 कर देते हैं। तो ये देखिए, हाँ, अब ये मोबाइल के हिसाब से काफ़ी ऑसम लग रहा है। अब शायद हमने सब कुछ यहाँ पे कर ही लिया है, तो अब बढ़ते हैं अपने अबाउट सेक्शन की ओर। तो देख रहे हैं आप, अबाउट सेक्शन तो बिल्कुल ही हिला हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, चलिए इसे थोड़ा सा पहले रेस्पॉन्सिव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इमेज चेंज करनी होगी इसकी। तो इमेज अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इमेज चेंज करने के लिए हमें सिंपली एक कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, एक कंडीशन डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं जहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन बनना है, जो कि ये रहा क्रिएटिंग द अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पे हमारी मूवी जो पोस्टर है वो ये वाला जा रहा है, तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कंडीशन डालूंगा इफ विंडो डॉट इनर विथ इज ग्रेटर देन 1100, तो अगर 1100 से ज़्यादा हो विथ, तो हमें यही वाला मतलब वर्टिकल पोस्टर चाहिए, और ये रहा वर्टिकल पोस्टर। तो हम इस कोड को कॉपी कर देते हैं और एल्स कंडीशन में हम लिख देते हैं, एल्स क्या हो कि इस कोड की जगह हमें हॉरिजॉन्टल पोस्टर चाहिए। अब हमें इसकी जगह ये बैकड्रॉप पाथ वाला कोड लिख लेना है। ओके, तो अब हमारा काम हो जाना चाहिए। अब सेव करते हैं इसे और देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा
हॉरिजॉन्टल पोस्टर आ गया है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो नॉर्मल स्क्रीन है हमारी यानी 1100 पिक्सल से ज़्यादा की विड्थ है उसे यूज़ करता हूँ तो हमारा वही नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे मूवी पोस्टर इमेज, तो यहाँ पे हम मैक्स विड्थ तो 100% ही रहने देते हैं, लेकिन जो मैक्स हाइट है वो कर देते हैं 500 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैक्स हाइट 500 पिक्सल पे कुछ ऐसा यहाँ पे आ गया है। तो इमेज कहाँ है वो ये हमारी, तो ये हमारी इमेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इसके कंटेनर का फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये और बेटर हो जाएगा। तो ये देखिए, और अब आई थिंक यहाँ पे हमें जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर कर देना चाहिए और मैक्स हाइट फिट कंटेंट कर देनी चाहिए ताकि ये पूरा कंटेंट इसमें आ जाए। तो ये देखिए कितना ऑसम लग रहा है अभी अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पे अब देखते हैं अबाउट सेक्शन में और हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा हमें इसके टाइटल का साइज कम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हैशटैग टाइटल लिख देता हूँ और यहाँ पे टाइटल का, तो यहाँ पहले था 3 रैम तो अब हाफ कर देते हैं तो 1.5 रैम। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइटल काफ़ी अच्छी तरह आ गया है। अब ये जो हमारा स्मॉल डिटेल्स वाला पार्ट है इसका भी कुछ सेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब स्मॉल डिटेल्स का जो फॉन्ट साइज है वो 8 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 8 पिक्सल और उसके बाद हम सेव करेंगे इसे। तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ नहीं है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है क्या, तो देखते हैं। तो शायद हाँ, डिटेल्स की स्पेलिंग हमने आई थिंक गलत लिख दी थी। तो यहाँ डिटेल्स की स्पेलिंग सही करने के बाद देखते हैं, तो वो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। वो तो गाइस ये स्मॉल डिटेल्स एक क्लास है और हमने वहाँ पे हैशटैग लगाया। तो अब यहाँ सेव करते हैं इसको फिक्स करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे अब इसका फॉन्ट साइज आई थिंक चेंज हो गया है, छोटा हो गया। तो अब यहाँ मार्जिन दे देते हैं इसे टॉप से 10 पिक्सल। तो ठीक है हाँ, अब ये मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल देने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये जो स्मॉल डिटेल्स के अंदर जो डिटेल्स हैं तो इनके पैराग्राफ पे आपको शायद हमें थोड़ी पैडिंग कम करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट स्मॉल डिटेल्स पैराग्राफ टैग, तो इसकी पैडिंग हम 1 पिक्सल कर देंगे वाई एक्सिस में और एक्स में कर देंगे 5 पिक्सल। तो ओके, तो ये पैडिंग इसकी सही हो गई है। अब आई थिंक ये जो इंडिविजुअली डेट की पैडिंग है ये हमें थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं इसकी पैडिंग कर दूँ 0 पिक्सल कर देते हैं तो ये बिल्कुल इधर आ गया और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन हो गया है। तो डेट एलिमेंट को सेम स्टाइलिंग हम CSS में जाके दे देते हैं, तो पैडिंग लेफ्ट इसकी 0 पिक्सल करने के बाद कितना ऑसम लग रहा है ये। अब हम जो अपना डिस्क्रिप्शन है अबाउट एलिमेंट का तो उसमें हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ी टॉप से। तो यहाँ देखते हैं कितनी देनी चाहिए, तो आई थिंक हाफ रैम ठीक रहेगी, तो 0.5 रैम हम इसकी पैडिंग दे देते हैं टॉप से। तो ओके, तो ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब देखते हैं क्या और कुछ चेंजेस करने हैं। तो हाँ, ये बस क्लोज एलिमेंट हमें और देखना होगा। तो ये क्लोज बटन के लिए मैं यहाँ पे हैशटैग क्लोज लगाऊंगा और पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। और टॉप हम देखते हैं इसका कितना सेट करना चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन इसका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे टॉप इसका आई थिंक यहाँ 2 पिक्सल ठीक रहेगा, और इसका राइट तो राइट यहाँ 1 पिक्सल करते हैं और डिक्रीज़ करके देखते हैं। तो अगर हम डिक्रीज़ करें तो यहाँ इतना आई थिंक के 14 माइनस 14 पिक्सल परफेक्ट है। तो टॉप हमें करना है 2 पिक्सल और राइट हमें करना है माइनस 14 पिक्सल। तो देखते हैं क्या इस ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स पे जो नॉर्मल हमारा स्क्रीन है उस पे भी ये क्रॉस ठीक रहेगा। तो यहाँ हम टॉप 2 पिक्सल और राइट माइनस 14 पिक्सल करके देखते हैं और अब इसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल फिक्स रहेगा ये, क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है। तो यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 2 पिक्सल और लेफ्ट कर देते हैं, सॉरी राइट कर देते हैं हम इसका माइनस 14 पिक्सल और सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब इसे हम अलग अलग डिस्प्ले स्क्रीन साइज में खोल खोल के देख लेते हैं।
तो यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ देखिए जो हमारी मेन स्क्रीन साइज़ है उसमें तो थी रेस्पॉन्सिव, मतलब ओरिएंटेशन ठीक था। और अब ये हम इसे आईफोन की स्क्रीन साइज़ में खोलते हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट इसका लेआउट आ रहा है। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ तो अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे जिसकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए और उसके थ्रू हम इस वेबसाइट में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं हम देखेंगे। तो अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉपी करके या पेस्ट कर देता हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सिलेक्ट डॉट ओवरव्यू की जगह यहाँ हम स्ट्रिंग लेटर्स का यूज़ कर लेंगे और यहाँ डॉलर लगा के वेरिएबल हम मतलब जो हम सिलेक्ट डॉट ओवरव्यू लिख रहे थे वो स्ट्रिंग लेटर्स के अंदर लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम डॉट स्लाइस लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 0,100। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और यहाँ डॉट 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 लगा देंगे तो सेव करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये जो हमारे बैनर के अंदर मूवीज़ आ रही हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटा हो गया है और उसके आगे डॉट 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 आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्लाइस फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग का स्लाइस फंक्शन है ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि इस फंक्शन के अंदर आप जो भी डेटा देंगे सिर्फ उतना ही शो होगा। जैसे यहाँ पे इनने स्लाइस के अंदर दिया है 0,5, तो ये जो देखिए टेक्स्ट है ना जिस पे इनने स्लाइस फंक्शन लगाया है उसका सिर्फ 0 से 5 तक का डेटा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह यहाँ कोई और नंबर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ हेलो की जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 की जगह 1 यहाँ पे टैप कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आगे का जो एच होगा वो चला जाएगा। तो जो इंडेक्स नंबर 1 है स्ट्रिंग का उसका वहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 0 से 100 किया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन के 100 कैरेक्टर्स ही वहाँ पे आउटपुट में आ रहे हैं और आप काउंट करके भी देख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया तो देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो ये एक ऑप्शनल फंक्शन है, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपकी कुछ ऐसी मूवीज आ रही हो जिनका कि जो डिस्क्रिप्शन हो वो ज़्यादा ही बड़ा हो तो आप वहाँ कंडीशन लगा के कि इफ़ डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 200 और 300 देन तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उसकी ज़्यादा नीड है। तो गाइज यहाँ पे हमने वेबसाइट को पूरी तरह रेस्पॉन्सिव बना लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।